नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रोडवेज के 34 साल पुराने मामले को लेकर पटियाला जेल में एक साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत मिल सकती है। अच्छे आचरण के कारण ही गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू को जेल से रिहा किया जा सकता है। बता दें आपको कि नवजोत सिंह सिद्धू अब तक 6.5 महीने की सजा काट चुके हैं और नियमों के मुताबिक बड़ी राहत के लिए सभी चीज़ें सिद्धू के पक्ष में हैं। जेल प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अच्छे आचरण के चलते जिन कैदियों को रिहा करने की सिफारिश पंजाब सरकार को भेजी है, उसमें सिद्धू का भी नाम है। जेल में नवजोत सिंह सिद्धू का आचरण अच्छा पाया गया है। उन्हें क्लर्क के तौर पर जेल के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने जेल में नियम होने के बावजूद भी कोई छुट्टी तक नहीं ली, जो रियायत के लिए उनकी दावेदारी मजबूत कर रही है। हालांकि अब गेंद पंजाब सरकार के पाले में है, अंतिम फैसला उन्हें ही करना है। उत्तराखंड पुलिस हाल में सामने आए भर्ती परीक्षा घोटाले सहित गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करेगी। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि इसके लिए 1 दिसंबर से 2 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों में आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें उत्तराखंड अधीन स्थल सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार और गैंगस्टर अधिनियम में दर्ज मामला को सामने करने वाले आरोपी भी शामिल है। इसके अलावा सवापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी मादक पदार्थ माफिया की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। अशोक कुमार ने बताया है कि इसके अलावा अभियान में इनामी और वांछित अपराधियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष कार्यबल भी सहयोग देगा। उत्तराखंड के देहरादून में जोली ग्रांड हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान रूस के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व रूसी मंत्री को रविवार को प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया है। CISF ने सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग में कुछ संदिग्ध तस्वीरें देखी और इसके बाद बैग को खोले जाने पर पता चला कि वो सैटेलाइट फोन था और पूर्व मंत्री की पहचान 64 वर्षीय विक्टर सेमिनोव के रूप में हुई है। आपको बता दें कि जो 1998-1999 के दौरान रूस के कृषि और खाद्य मंत्री थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व रूसी मंत्री सेमिनोव को तब पकड़ा गया जब वो इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले थे और शाम 4:20 पर जब वो सुरक्षा जांच के पहुंचे तो फिर CISF के जवानों ने उन्हें रोक लिया और एक्सरे मशीन से जाँच के दौरान उनके बैग में सैटेलाइट फोन जैसी दिखने वाली तस्वीर दिखी। और रिपोर्ट के मुताबिक CISF ने FIR में कहा है कि बाद में हेडबैग को फिजिकल जांच के लिए भेजा गया है। जब बैग को सेमिनोव की मौजूदगी में खोला गया तो अधिकारी को एक इरिडियम सैटेलाइट फोन स्विच ऑफ मोड में मिला है। अधिकारियों ने सेमिनोव से उस फोन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान सैटेलाइट फोन का वो पर्सनल इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसे प्रूफ करने के लिए वो कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में BSNL के द्वारा ही प्रदान किए हुए इस माध्यम से इसके अलावा अन्य सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सभी औपचारिकताएं पूरी तरह से बाद में रूसी नागरिक पर बॉन्डिंग पास रद्द किया गया और बाद में उसे देहरादून पुलिस को सौंप दिया गया। और डोईवाला थाने के प्रभारी राजेश शाह ने कहा है कि हवाई अड्डे पर CISF कर्मियों ने उन्हें रूसी नागरिक के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पत्र और विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट पर मामला गरमाता जा रहा है। मामला बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्यरत एक कार्मिक राकेश शेमवाल की वरिष्ठता और ACP विवाद से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में अध्यक्ष अजय शासनस्त्र पर ही समिति बनाकर जाँच कराना चाहते हैं, तो वहीं कार्मिक राकेश सोमवार का कहना है
कि अध्यक्ष को उन्होंने गुमराह कर उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, वो हर प्रकार की जांच को तैयार है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र ने 14 नवंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर समिति में कार्यरत एक कार्मिक राकेश सेमवाल की वरिष्ठता और ACP विवाद को लेकर शासन स्तर से वित्त कार्मिक और न्यायिक विभाग की एक संयुक्त समिति गठित कर जाँच कराने का अनुरोध किया है। और पत्र में कहा है कि पत्र में BKTC अध्यक्ष ने ही लिखा है कि उक्त कार्मिक की वरिष्ठता और ACP विवाद को पूर्व में देवस्थानम बोर्ड के समय तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी और आयुक्त गढ़वाल के साथ ही तत्कालीन वित्त नियंत्रण के विस्तारित कर दिया गया था और इसकी जानकारी उक्त कर्मचारी को भी दे दी गई थी। इसके बावजूद उक्त कर्मचारी द्वारा लगातार कई माध्यमों से अपनी पदोन्नति से ही दबाव बनाया जा रहा है और इसके लिए कभी वकील माध्यम से नोटिस भेजकर और कभी ट्रिब्यूनल का सहारा लिया जा रहा है। पत्र में ये भी कहा गया है कि उक्त कर्मचारी BKTC द्वारा ही की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं लगता है। उक्त कार्मिक के रुख से ही BKTC के कामकाज में अनावश्यक गतिविधि पैदा हो रही है और इसलिए शासन स्तर से भी इस प्रकरण की जाँच की जाए। देखिए, कार्मिक के वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी प्रकरण विभिन्न माध्यमों से मेरे संज्ञान में आया था और जब मैंने प्रकरण की छानबीन की तो मुझे जानकारी मिली कि पूर्व में जब उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड था तब तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर उनके स्तर से भी इस मामले का परीक्षण किया गया था। इसके अलावा तत्कालीन फाइनेंस कंट्रोलर ने भी इस मामले का परीक्षण किया था और उसका निस्तारण किया था, लेकिन जब शासन स्तर से भी इस मामले में कई पत्राचार चल रहे थे तो मैंने शासन को ही अनुरोध किया है कि वो स्वयं अपने स्तर से इस मामले का परीक्षण कराएं, वित्त विभाग, कार्मिक और न्याय विभाग की एक संयुक्त समिति बना करके इस मामले का परीक्षण करें। तो मैंने इनसे पूछा है कि तुम त्रिवेणी घाट लिख दो या तुम मुझे नैनीताल रख दो, हिमालय की चोटियों में रख दो, लेकिन मैं प्रबंधक नहीं हूँ, मैं वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी हूँ जिससे मेरा आदेश भी संलग्न है और मेरे वेतन, मैंने बार बार कहा मेरे वेतन रोकने का वजह क्या है आपसे, तो फिर इन्होंने नहीं की, मेरे वेतन रिलीज नहीं की, तो मुझे मजबूर होकर के माननीय न्यायालय ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा जहाँ से मुझे वो रिलीफ मिली, उन्होंने मेरे वेतन आहरण श्रीमान सीओ महोदय को कर दिए। करीब 4 मीटर पैदल ट्रैक रूट का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी रुहेला ने वन और पर्यटन महकमे के अधिकारियों को ताल और पैदल रूट से सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटक की दृष्टि से नचिकता ताल महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये कई स्थानों से पहुंचने वाले पर्यटकों को स्वच्छता को लेकर विशेष रूप से जागरूक किए जाने के साथ ही सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए और ताकि ताल और आसपास के स्थानों में स्वच्छता बनी रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य और नचिकता ताल में मौजूद चुरंगी खाल निकट चौधिया घाट गांव के ही भोजला नामक तोक में ही मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन के तहत ही निर्मित अमृत सरोवर तालाब का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है और साथ ही जिलाधिकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा नचिकता ताल और ट्रैक रूट में वृहद से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी भटवाड़ी चदर सिंह चौहान और तहसीलदार डुंडा प्रताप सिंह चौहान और जिला पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट, आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी महावीर सिंह राणा, प्रभारी खंड विकास अधिकारी डुंडा प्रकाश पवार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीरेंद्र राणा, साहसिक खेल अधिकारी मोहम्मद अली और मनरेगा सहायक विक्रम सिंह नेगी, ग्राम प्रधान फोल्ड एल्बम नेगी और प्रधान ब्राह्मण गाँव राम मोहन उनियाल सहित अन्य मौजूद रहे। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी कही जाने वाली शिक्षा नगरी रुड़की की एक अलग ही तस्वीर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के तमाम दावों की हकीकत बयां कर रही है और जिसमें जनप्रतिनिधियों के
पास मात्र आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल शहर के इस्लाम नगर और भारत नगर में पिछले लंबे अरसे से गंदे पानी का जल भराव एक विकराल रूप धारण कर चुका है और इस समस्या की गुहार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित अधिकारियों तक से की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम और क्षेत्रीय विधायक से मात्र आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब गुस्साए लोगों ने नगर विधायक के पुतले को इसी गंदे पानी में जल समाधि दी है। लोगों का कहना है कि विधायक उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और लोगों को इस गंदगी में मरने को मजबूर कर रहे हैं। रुड़की के इस्लाम नगर और भारत नगर के पिछले लंबे समय से गंदे पानी का जल भराव एक बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है और लोगों ने इस समस्या की गुहार नगर निगम से लेकर विधायक और CM पोर्टल तक की है, लेकिन आज तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाया है। गुस्साए स्थानीय लोगों ने नगर विधायक के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए उनका पुतला बनाया और उसे इस गंदे पानी में जल समाधि देकर विरोध प्रदर्शन किया है। पर भाई साहब, हमारी यहाँ महिग्रान की महल्ले की कोई सुनवाई नहीं है। आप यहाँ देखेंगे इतने बीमार लोग हैं, इतने बीमार। इधर देखो जितने भी हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं बेचारे, रामपुर में मोहसिन का हो गया, खुर्शीद का हो गया, सब इधर के इस्लाम नगर के लोग भर्ती हैं। और ऐसे लोग भर्ती हैं जो मजदूर आदमी है, अपने एक तक महीने की कमाई दो दो दिन में दे रहे हैं। डेंगू, टाइफाइड इतना चल रहा है, गंदगी फैली पड़ी है चारों तरफ। हम लोग इतने परेशान हैं, माइग्रान के लोग इतने परेशान हैं कि हम किसी को कुछ को अपना दुख नहीं बता सकते। जिसे बताएं तो कोई सुनवाई नहीं है। आपके पीछे लिखा ये मकान बिका हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, एक में इसने तो बेचारे लिख दिया कि ये मकान बिका हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं, अगर आप फील्ड में जाके देखेंगे, कम से कम यहाँ ऐसे सैकड़ों मकान ऐसे हैं जो मजबूरी में बेचारे ने ब्याज पे कर्जा लेके मकान बना रखा है और वो आधे मोल अपना मकान दे के यहाँ से जाना चाहते हैं। जो बाहर से लोग आए थे भाई, रुड़की शहर में जा रहे हैं, रुड़की शहर का नाम है एक। देखो आपके सामने है सबके सब, और नगर निगम के चक्कर काट काट के हम थक गए हैं। इतने पार्षद के लेटर वहाँ रखे हुए, आप जाके देख लो। और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि हमने पास कर दिया है, वो किस तरह का पास हो रखा है वो हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। एक महीना पहले से उसका टेंडर होने वाला, उसमें नाला बनेगा, यह होगा, वो होगा, यही कहानी 6 महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं। अच्छा बेटा, पार्षद को हम 10 बार लेके वहाँ जा चुके हैं और वहाँ कई दफ़े बहस भी हो चुकी है। पार्षद भी बहुत लड़ा है हमारी तरफ से वहाँ से, लेकिन पार्षद की भी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही है। अब और ये अभिजीत शकील भाई ने कहा है सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य की सुरक्षा में कटौती के बाद CBI जांच की आशंका पर शिवपाल यादव ने कहा कि BJP से यही अपेक्षा की जा सकती है। मैंने हमेशा जनहित जनता के हित में काम किया है। हम शुरू से समाजवादी पार्टी में रहे, आज भी हम समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब घर की बहू डिंपल चुनाव लड़ रही है तो हमें तो उसके लिए वोट मांगना ही पड़ेगा और जिताना ही पड़ेगा, और जितवाएंगे भी। और सुरक्षा वापस लेने पर शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा घटा ली, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सुरक्षा को हमारे कार्यकर्ता और जनता कर लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घड़ी का पेंडुलम और फुटबॉल कहे जाने पर शिवपाल यादव ने कहा, पेंडुलम का जवाब अखिलेश ने अच्छे से दिया है, और रही बात फुटबॉल की तो अच्छा खिलाड़ी एक ही फुटबॉल का गोल कर देता है और इस बार डिंपल मैनपुरी से गोल करेंगी। ये फैन से अपेक्षा क्या किया जा सकती है, और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से अच्छे हुआ है, तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, और नियम तय करा सकते। तो ये अब आपके माध्यम से मुझे अभी पता चल रहा है, मुझे तो अभी पूरी जानकारी भी नहीं है, तो उससे क्या किया जाए। सरकार ने सुरक्षा क्यों घटा दी फिर आपकी, इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है बताओ। जब मैं समाजवादी पार्टी के हमेशा रहे, आज भी मैं विधायक समाजवादी पार्टी से, तो फिर मैं, मुझे तो समाजवादी पार्टी और घर की बहू ने अब लड़ रही है। दिल्ली से अलीगढ़ तारीख पर लाई दिल्ली पुलिस ने अपराधी के मुजलिम को VIP ट्रीटमेंट दिया है और होटल पर हथकड़ी पहने हुए मुजलिम पुलिसकर्मियों के साथ खाना खा रहा है। वहीं मुजलिम
खाने के दो सब्जियों के साथ साथ मक्खन का भी मजा ले रहा है। मुस्लिम के साथ पुलिसकर्मी भी खाना खाते हुए नजर आए हैं। वीडियो में आधा दर्जन पुलिसकर्मी मुस्लिम की देख रेख में तैनात हैं और मुस्लिम और पुलिसकर्मियों को खाना खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके के तस्वीर महल में मौजूद होटल का है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता आकाश कुमार जुड़ चुके हैं। आकाश, पूरा मामला क्या है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पुलिस लाइन अंतर्गत एक निजी होटल का है, जहां पर जो दिल्ली से एक आरोपी को जो है पुलिसकर्मी जो है यहां पर तारीख के लिए मुकदमा उसका पंजीकृत है, उसको तारीख के लिए यहां पर लेकर आए थे। लेकर आने के साथ साथ ही उसको जो है यहां पर VIP ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक उसको जो होटल पे जो है खाना खिलवाया जा रहा है, जिसके साथ साथ वो मक्खन का आनंद भी ले रहा है और यहाँ पर उसको जो है VIP सुविधाएं दी जा रही हैं। जबकि हालांकि एक कैदी के साथ कैदी की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस जो है नियमों की जो है धज्जियाँ उड़ा रही है। जी आकाश, इसको लेकर प्रशासन का कोई बयान अभी तक सामने आ पाया है? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मामला जो है दिल्ली पुलिस का है, तो जो यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, हालांकि जो इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पर जो आला अधिकारियों को जानकारी मिली, तो इंटेलिजेंस की टीम जो है मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के साथ साथ ही जब तक उन्होंने जो है होटल का निरीक्षण किया, तब तक उसके तत्पश्चात ही कुछ समय पहले ही वो दिल्ली पुलिस जो है आरोपी को लेकर के जो है न्यायालय के लिए निकल चुकी थी। जी, आरोपी के बारे में कोई जानकारी है कि किसका मुजरिम, किस जुर्म कौन सा है इस मुजरिम के? जैसा कि मैं आपको बता दूं, कई समय पहले उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसको जो है यहाँ पर तारीख करने के लिए अलीगढ़ लाया गया है। हालांकि मुकदमे अभी विचाराधीन कोर्ट में चल रहा है, जिसके विषय में अभी जो है जानकारी उपलब्ध नहीं। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। गाजीपुर के बसेरर थाना पुलिस और स्पॉट टीम ने जटिल घटना का अनावरण 24 घंटे में करते हुए ये साबित कर दिया है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर 27 नवंबर को बरेसर थाना के सूतिहार गांव के रामजी यादव का शव सड़क किनारे सर्विस रोड पर पाया गया, जिसके बाद से ही पुलिस के 100 नंबर पर कॉल कर बताया गया था। और सुतिहार गांव के सर्विस रोड पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, परंतु मृतक की पत्नी ने थाने में हत्या का FIR दर्ज करवाया था। पुलिस ने गहनता से जांच की तो पाया कि पुलिस के जो जांच करने के बाद मिला है कि स्कूल के खंडर के मिट्टी में ही खून के धब्बे हैं, और इसी आधार पर पुलिस ने मृतक के संबंधित कॉल डिटेल खंगाला तो सामने आया कि मृतक रामजी यादव के अभियुक्त भाई लाल से काफ़ी दोस्ती है और आरोपी का मृतक के घर आने जाने से उसकी बेटी से प्रेम प्रसंग स्थापित हो गया था, जिसके चलते मृतक की बेटी और आरोपी आए दिन स्कूल में मिलने जाया करते थे और घटना के दिन भी वो वहीं पर थे और रात्रि 1 बजे मृतक की बेटी स्कूल के खंडहर में आरोपी प्रेमी से मिलने गई थी, जहां मृतक पिता रामजी वहां पहुंचकर आरोपी से बात करते देखे आग बबूला हो गए तो बेटी वहां से भाग गई और उसके बाद आरोपी से कहा कि सुनी में वहां रखे रम्मा से आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया है और अपने मित्रों के सहयोग से शव को सर्विस रोड पर फेंक कर दुर्घटना का रूप दे दिया है। थाना बड़ेसर अंतर्गत गांव में एक दुर्घटना हो गई है, सुतिहार गांव में। उस सूचना पे पुलिस वहां पे गई तो जो लोगों ने बताया कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी कि साहब एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब उसकी गहनता से छानबीन की गई तो घटना स्थल से करीब 50 फीट दूर एक वहाँ स्कूल है, जो पहले प्राइमरी स्कूल होता था, वर्तमान में वहाँ पे एक अखाड़ा चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए, जिससे पुलिस को संदेह हुआ और इसकी तफ्तीश ये मानते हुए कि कोई अनहोनी कारित हुई है उस दिशा में चली। जब हमारी टेक्निकल जो सर्विलेंस की टीम है, इन्होंने थाना टीम ने गहनता से चीज़ों को एनालाइज किया और जो भी इसमें संबंधित
व्यक्ति थे उनके फोनों की सर्विलेंस की गई, तो पूरा घटनाक्रम इस तरह से मिला कि उसी गांव का एक व्यक्ति है जो अभियुक्त भी बाद में चिन्हित हुआ है, भैया लाल यादव, उसके जो मृतक है उसके घर में उसकी पुत्री है, उससे उसका संबंध। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता मेहताब आलम हमारे से जुड़ चुके हैं। मेहताब, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है आपका परेसर थाना का है, जहां पर एक युवक ने जो है बेरहमी से एक युवक की जो है हत्या कर दी और उसको एंगल दिखा रहा था दुर्घटना का, लेकिन जब स्वाट टीम ने जब घंटा से इसकी जांच पड़ताल की तो आरोपी जो है पकड़ा गया और उसने खुद कबूला कि हाँ उसने हत्या किया है। और ये जो है मामला पूरा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक काफी दिन से उसके घर भी आता जाता था, लेकिन जब उसको लगा कि जो है कहीं ना कहीं हमको संदेह है, उसी संदेह में इसने अपने जो है साथी कैसे हत्या कर दी और हत्या करके सड़क किनारे बॉडी रख दिया ताकि लगे कि ये दुर्घटना से इस मतलब व्यक्ति की मौत हुई है। जी, पुलिस प्रशासन का इसको लेकर कोई बयान सामने आया अभी तक? हाँ, पुलिस प्रशासन का जहां तक बयान है उसने कहा है कि हमने 24 घंटे के अंदर जो है इस हत्या का खुलासा कर दिया है और अपराधियों को जो है जेल के अंदर भेज दिया है। और ये मतलब पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी है, क्योंकि जिस तरह से ये हत्या हुआ और जो है इसको दिखाया गया कि नहीं हत्या नहीं जो है मतलब दुर्घटना में इसकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी मेहताब, इलाके में किस तरह का हड़कंप देखने को मिल रहा है? इलाके में हड़कंप जब हम अगर बात करें तो पहले तो ये लगा कि ये व्यक्ति जो है दुर्घटना से इसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने जब इसकी जांच की, पड़ताल की, स्वाट टीम जब लगाया गया तो ये इस खुलासे का जो है हत्या का खुलासा जो है 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इसको बाखूबी इसको मतलब खुलासा कर दिया। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस की पिस्टल चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान फोर्स ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक युवक के पैर में गोली लगी है। कानपुर पुलिस ने इसके दो साथियों को पिस्टल के साथ मुठभेड़ कर अरेस्ट कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया था, जिसके बाद ही एक फरार साथी पर 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था और मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पहुंचे एसपी राजेश सिंह ने बताया है कि जहानाबाद थाना क्षेत्र के ही अब्दुल्ला हेरपुर गांव के जंगल में मुखबिर की सूचना के बाद तौफीक कुरैशी मुठभेड़ के दौरान पैर में ही गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया है। एसओजी और थाना जहानाबाद की पुलिस से बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसमें तौफीक नाम का एक शातिर अपराधी घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है, 315 बोर का तमंचा, ढेर सारे कारतूस और प्रतिबंधित बोर 9mm के 3 कार्टेज बरामद हुए हैं। और ये पता चला है कि यह थाना बिधुनू कोतवाल कमिश्नरेट कानपुर नगर से वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इसके दो साथी वहाँ मुठभेड़ में पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, संभवतः यह चोरी की मोटरसाइकिल है। ये अच्छा वर्क हुआ है, इस पूरी टीम को हमारी तरफ से 1,000 रुपये का नगद इनाम अलग से भी दिया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, पूरा मामला क्या है? जी, साथी बदमाश जो है कानपुर जिले से वारंट चल रहा था, 25,000 का इसके ऊपर इनाम था, जहां कानपुर कमिश्नर से इनामिया था और जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एसओजी टीम व थाना जहानाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर इसे अपनी कब्जे में लेकर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। और वही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इनामिया बदमाश था और इसे चेकिंग के दौरान जब इसे पूछताछ की गई तो भागने फिराक पे फायरिंग की। फायरिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ फायरिंग दोनों तरफ से हुई और मुठभेड़ में गिरफ्तारी की बात करी है। जी बबलू सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
पीलीभीत में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक का शव नाले में पड़ा मिला है, जिसके बारे में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव मिला है, क्या पूरा मामला है? आज अर्ली मॉर्निंग बीसलपुर में पब्लिक के द्वारा सूचना दी गई है, एक अज्ञात व्यक्ति के बॉडी जो है नाले में मिला है। तत्काल मौके पर SHO और अन्य अधिकारियों के द्वारा पहुंच के बॉडी को बरामद किया गया है। उसका अभी पहचान नहीं हुआ है, बाहर का आदमी लग रहा है। प्रथम दृष्टया अधिक शराब पीने के वजह से, नाले में गिरने की वजह से ये हादसा होना अगल बगल के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। जाँच किए पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा। हैं जहां पर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि यहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, और ये भी जानकारी सामने आई है कि अज्ञात युवक का शव मिलने से ये हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस प्रशासन का भी इस पर बयान सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि पीलीभीत से खबर है जहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची है शव मिलने के बाद। इसके बाद ये भी जानकारी है कि अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है, और युवक का शव नाले में पड़ा मिला है, जिसके बारे में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।